अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं ए टू जी आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए अक्सर स्टूडेंट मुझसे फिनलैंड के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं फिनलैंड का एक टोटल आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वे के साथ बता देता हूं कि किस तरह क्या उनका प्रोसीजर होता है, ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एडमिशन लेना है किसी भी लेवल के ऊपर। और टोटल जो है वो फिनलैंड की उन्होंने अपनी ही साइड के ऊपर उन्होंने बताया हुआ है, बजाय इसके कि आप किसी कंसल्टेंट या किसी और साइड के ऊपर जाएं, आप डायरेक्ट इस साइड पे आएं। इस पे आपको ए टू जी हर चीज़ मिलेगी, वो भी जो फिनलैंड की हुकूमत आपको खुद बता रही है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, ज़रा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन चीज़ें लिखी हुई हैं, आप भी पढ़ के उसको समझ सकते हैं। इसमें कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलें यह देखें, लिखा हुआ है फिनिश अप्लीकेशन सिस्टम अप्लाइंग टू अपर सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन इन फिनलैंड इज डन इधर थ्रू ज्वाइंट अप्लीकेशन और सेपरेट अप्लीकेशन। सम एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफर रोलिंग एडमिशन एज वेल। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो अपर सेकेंडरी एजुकेशन है ये फिनलैंड के अंदर उसको बोला जाता है जो पाकिस्तान में एफए और एफएससी को बोला जाता है। ओके, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। उसके बाद ये जो हायर एजुकेशन है इसको बोला जाता है बैचलर लेवल, मास्टर लेवल और पीएचडी लेवल। तो उस आगे उन्होंने बताया हुआ है कि एक तो ज्वाइंट अप्लीकेशन के ज़रिए ये जो अभी खुली हुई है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपने ऐसे अप्लाई करना है, एक उन्होंने बताया हुआ है कि सेपरेट भी आप करते हैं। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है ज्वाइंट अप्लीकेशन, द फिनिश ज्वाइंट अप्लीकेशन आर नेशनल अप्लीकेशन प्रोसीजर द फिनिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मोस्टली यूज व्हेन selecting new students to upper secondary education institutions as well as to higher education institutes। तो जाहिर है जब उन्होंने अपर के ऊपर सेलेक्ट करना, इसलिए कि जो एफए एफएससी के वहाँ पे जो स्टूडेंट दाखिला लेते हैं वो पाकिस्तान में जो लोगों को फिनिश नहीं आती या स्वीडिश नहीं आती, लेकिन बहुत से कंट्रीज़ हैं जो फिनलैंड के साथ, जैसे स्वीडन के लोग हैं, कोई और पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, या जिनका कोई जिन लोगों को आती है ये लैंग्वेज, मसलन के फिनिश आती है या स्वीडिश भी आती है, जैसे कि वहाँ पे दो में ज़्यादा स्टडी होती है, फिनिश और इंग्लिश में भी होती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर मोस्टली जो वहाँ पे स्टडी हो रही है एफए और एफएससी के लेवल के ऊपर, मैं ये बात कर रहा हूँ सेकेंडरी एजुकेशन, वो ज़्यादातर वो यूरोप के लोगों को प्रेफर करते हैं, इसलिए कि वो वीज़ा वगैरह जो स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं वो वीज़ा आपको इसमें आपको वो आपको नहीं भेजते कि जी आपको एडमिशन लेटर नहीं भेजते कि जी आप पढ़ने के लिए आ जाएं। वैसे भी वहाँ पे मोस्टली फिनिश में ही हो, लेकिन 10% हैं स्कूल वहाँ पे 5-10 जो इंग्लिश में भी करवा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी या बाहर के यूरोप के लोगों को बोल, लेकिन वो हैं चंद एक, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि वो किस तरह आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, आगे उन्होंने लिखा हुआ है ज्वाइंट इन ज्वाइंट अप्लीकेशन मीन्स दैट सेवरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफर देयर स्टडी प्रोग्राम on one application form, it will save you the trouble to fill the multiple application form and the juggle to remember all different deadlines and procedure in every application। ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि आप परेशानी से बच सकते हैं अगर आप इस तरह करके करें, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम लॉन्च किया है। ज्वाइंट अप्लीकेशन आर कोऑर्डिनेटेड बाई द फिनिश नेशनल एजेंसी फॉर एजुकेशन, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से ही उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, इसके अंदर इंस्टीट्यूट वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, आगे उन्होंने लिखा हुआ है एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफर स्टडी प्रोग्राम एंड सेलेक्ट स्टूडेंट टू द स्टडी प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू देयर एडमिशन क्राइटेरिया। अच्छा, उन्होंने लिखा हुआ है कि हर इंस्टीट्यूट अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आपको सेलेक्ट करता है, लेकिन आप ज्वाइंट आप उनको अप्लीकेशन दे देते हैं, लेकिन हर इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से देखता है। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, पहले ज़रा मैं स्लो स्लो कर रहा था। अप्लाइंग थ्रू ज्वाइंट अप्लीकेशन इज ईजी, जो वगैरह उन्होंने कहा कि अगर आप अप्लाइंग करते हैं ज्वाइंट, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक तो आप अपर सेकेंडरी में दे सकते हैं और एक आपने वोकेशनल में भी दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसका भी थोड़ा सा बता दूं, अपर सेकेंडरी का तो मैंने आपको बता दिया कि एफए और एफएससी को कहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर एफए और एफएससी होती है या ए लेवल होता है। जो वोकेशनल है वो उसको बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने सुना होगा डीएई के नाम पे एक डिप्लोमा होता है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, जो जिसके अंदर टेक्निकल वर्क ज़्यादा होता है 80% और 20% आपकी स्टडी होती है। जो फिनलैंड है वहां पे उसको वोकेशनल एजुकेशन बोला जाता है, वोकेशन ये भी 3 ईयर्स का होता है और पाकिस्तान में भी 3 ईयर्स का ही होता है डीएई। इसका मतलब है जब आपने वोकेशनल कर लेते हैं 3 ईयर्स का फिनलैंड के अंदर, ये वहां पे है इंस्टीट्यूट जो इंग्लिश में करवा रहे हैं,
अपर में भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर यूरोपियन के लिए वोकेशनल में इंग्लिश हैं, इसलिए कि वहाँ पे शॉर्टेज है लेबर की, तो वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बाहर से भी यूरोप के लोगों को लेके आते हैं, ताकि जो स्किल्ड वाले हैं, जैसे किसी ने पाकिस्तान के अंदर, किसी ने DAE किया पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट या किसी ने वो मैट्रिक किया हुआ है लेकिन उसके पास कोई स्किल भी है, जैसे उसने फ़र्ज़ किया वो मैकेनिक है, कार मैकेनिक है, फ़र्ज़ किया वो बहुत अच्छा वेल्डर भी है, वो कुछ और भी है, तो फिर उसको वो ले जाएंगे फिनलैंड में, फिनलैंड में उसको 3 साल उसको मजीद वेल्डिंग का कोर्स करवाएंगे, इस तरह वो फिर वहाँ के FSC के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर वो भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है वो भी ले सकता है, लेकिन वो चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस वोकेशनल वालों को दाखिला देती हैं, लेकिन मिल जाता है उनको भी, लेकिन वो फिर टेक्निकल फील्ड टाइप में ही लेंगे, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया इस तरह, मतलब जिस तरह का उसने डिप्लोमा किया हुआ है। ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में लिखा हुआ है कि हर अच्छा जो मिनी आप ये जो सेकेंडरी है उसमें आप 7 में कर सकते हैं, और जो होता है हायर उसमें आप 6 में कर सकते हैं, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी बताया था। अच्छा ये तो इन्होंने ये चीज़ें मोटी मोटी मैं आपसे आपको बता रहा हूँ। द अप्लीकेशन पीरियड्स वेरी बिटवीन द लेवल ऑफ एजुकेशन, ये देखें मैं ये चीज़ मेन आपको मैं बताना चाह रहा था। द अपर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन अप्लीकेशन यूजली आर एक्सेप्टेड इन फरवरी मार्च, उन्होंने लिखा ये फरवरी और मार्च के अंदर एक्सेप्ट की जाती है अपर सेकेंडरी, जो मैं कह रहा हूँ वोकेशनल वाली है, लेकिन जो हायर वाली है उन्होंने लिखा हुआ है इसके 3 होते हैं, 3 पीरियड हैं। एक तो उन्होंने लिखा हुआ है जो इस वक्त जारी है, वो मैंने आपको बताया, वो जो इस वक्त अभी अभी हम इसका पीरियड जो चल रहा है, जो फर्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है जनवरी है, वो जो आप अभी आप देख रहे हैं वो जनवरी है, उसके बाद ये मार्च में फिर आएगा, उसके बाद द सेकेंड इन मार्च, लेकिन ये लेकिन ये होगा फिनिश और स्वीडिश में, सिर्फ जो फिनिश और स्वीडिश की स्टडी है उसके लिए मार्च में होगा। उसके बाद जो थर्ड होगा वो होगा अगस्त के अंदर, लेकिन उसके अंदर फिर इंग्लिश भी शामिल हो जाएगी, थर्ड के अंदर इंग्लिश भी शामिल हो जाएगी, लेकिन जो फर्स्ट है सेकेंड है उसमें इंग्लिश शामिल नहीं होगी, जो ज्वाइंट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। अच्छा बाकी उन्होंने नीचे लिखा हुआ है ये जो आप ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं, प्लीज नोट द इंग्लिश डॉट डिग्री प्रोग्राम आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल इन द ज्वाइंट अप्लीकेशन, ये तो उन्होंने लिखा हुआ है कि वो हर वक्त नहीं होते, मैंने आपको ऊपर बताया वो दूसरे में वो नहीं है। अच्छा नीचे आ जाए सेपरेट अप्लीकेशन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि सेपरेट भी इनके बड़े हैं, इसलिए कि यूनिवर्सिटी एक तो ज्वाइंट के जरिए ले लेती है, वो सेपरेट अपने तौर पर भी ले सकती है, उनके अभी उन्होंने ज्वाइंट किया फर्ज किया अभी जनवरी में कर रहे हैं ना वो ज्वाइंट, अभी इसका पीरियड तो खत्म हो जाना है, लेकिन इसका पीरियड वो फर्स्ट हो सकता है वो मार्च के अंदर, ज्वाइंट में तो वो सेकंड में तो शामिल नहीं है, वो तो फिनिश और स्वीडिश है, लेकिन वो सेकंड के अंदर वो 2 महीने 3 महीने, अब उनकी अपनी मर्जी है हर यूनिवर्सिटी की, वो अपना अलहदा से कर लें कि जी हमने मार्च के अंदर, इसलिए उनको चाहिए स्टूडेंट उनके पास नहीं है फर्ज किया, या उन्होंने कोई नया उन्होंने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है, उन्होंने कोई नई नया डिपार्टमेंट शुरू किया है, उसी वक्त शुरू किया है कि उस वक्त अभी दाखला खुलने में टाइम है, लेकिन उनको स्टूडेंट चाहिए, ज़रा उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी कॉल कर लेनी है और अपने लोकल स्टूडेंटों को भी कॉल कर लेनी है, 50% उन्होंने उधर से पूरे कर लेने हैं, 50% उन्होंने उधर से पूरे कर लेने हैं, कोटा सिस्टम के तहत वो चलते हैं, इसलिए कि वहाँ पर शॉर्टेज है, वहाँ पर उनको बंदे चाहिए, बंदे उनके पास कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ उनकी है नहीं, जैसे अब इटली की पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस में जा रही है पिछले कई साल हो गए हैं, आपको शायद पता होगा जब पाकिस्तान बना था उस वक्त इटली की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा थी, आज क्या सूरत हाल है, आज इटली की आबादी हम 3-4 करोड़ ही रह गई है और हमारी 22-25 करोड़ पे चली गई है माशाल्लाह, हो सकता है कि अगले कुछ 200 साल के बाद हमारी आबादी दुनिया में हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की हो, फिर बाकी पूरी दुनिया की आबादी एक साइड पे हो ये तो मैं एक चलो एक मजाया बात कर रहा हूँ, लेकिन पॉसिबल तो हर चीज़ है ना, जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं ये तो हो सकता है। अच्छा देर इज नो लिमिटेशन टू द अमाउंट ऑफ स्टडी प्रोग्राम यू कैन अप्लाई टू इन अ सेपरेट अप्लीकेशन, अच्छा ये ना लिखा हुआ है कि आप सेपरेट में जो होता है ना, फल सेपरेट ने अभी यूनिवर्सिटी वहां पे 25 है तो 25 ने खोला हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ वैसे, तो आप 25 में कर दें बेशक आप सेपरेट का, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी इस वक्त सेपरेट अप्लीकेशन उसने खोली हुई है, एक तो ये सेपरेट हो गया ना, फिर एक वहाँ पे एक डिफरेंट एक और भी प्रोसीजर चल रहा है कई यूनिवर्सिटीज़ का, मैं आपको उस यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन आप यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी देखेंगे हर यूनिवर्सिटी डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर कर रही होती है, डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो कर रही होती है, इसलिए ये तो हर स्टूडेंट की अपनी अपने हिसाब में ना, एक स्टूडेंट ने करनी इंजीनियरिंग है तो वो रोलिंग वाली यूनिवर्सिटी वहाँ पे है ही नहीं, तो वो कैसे रोलिंग उसमें कर लेगा, जैसे मैंने लिखा है रोलिंग एडमिशन, रोलिंग एडमिशन का मतलब ये होता है उसके पूरे साल एडमिशन होते रहते हैं, फर्ज़ किया अभी आपने उनको एप्लीकेशन भेजी है तो उन्होंने 2 हफ्ते उसके लेने हैं रिव्यू में, रिव्यू वो करेंगे 2 हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद में 3रे हफ्ते आपको उन्होंने एडमिशन लेटर भेज देने या उन्होंने आपको रिजेक्शन लेटर भेज देने कि जी हमने आपको दाखिला नहीं देना, वो भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर,
वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, नीचे उन्होंने बताया भी है, ये देखें आप जब इन लिंक्स को क्लिक करेंगे तो आप इनकी डिटेल में चले जाएंगे, रोलिंग की वो आपको, ये अपर सेकेंडरी की रोलिंग में आप चले जाएंगे, नीचे आप हायर एजुकेशन वो जो करवा रहे हैं रोलिंग वाले उसमें आप चले जाएंगे, लेकिन लाजमी नहीं है वो करवा रहे हैं, हो सकता है इस साल वो ना करवाएं, ये तो हर एक का आपने यूनिवर्सिटी बाई यूनिवर्सिटी चेक करना पड़ेगा ना। जरा आपने एक दफ़ा दाखिला ले लिया आपकी तो टेंशन खत्म हो गई, आपने तो फिर वहाँ पे स्टडी शुरू कर देनी है। ये तो नए पहले आप जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम दाखिला लेना है उसके लिए मसले बनते हैं कि किसको चूज़ करना है किसको नहीं, लेकिन जब आपने एक दफ़ा दाखिला ले लिया फिर आपने कंप्लीट करना है, फिर आपने एम फिल पी एच डी करनी है, फिर आपने पीछे को तो नहीं ना देखना, ये इसका प्रोसीजर है। अच्छा नीचे उन्होंने नीचे बनाया हुआ है सप्लीमेंट्री अप्लीकेशंस। अच्छा एक वहाँ पे सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन भी चल रही है, सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन राउंड्स टेक प्लेस इफ़ ऑल स्टडी प्लेसेस ऑफर्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशन पीरियड आर नॉट फिल्ड। अच्छा ये सप्लीमेंट्री, जैसे हम नहीं होता सप्लीमेंट्री एग्जाम हो गया बीए का या जिस तरह करके सप्लीमेंट्री एफए का, इस टाइप के एग्जाम नहीं होते कि आप एक स्टूडेंट होता है कि उसका एक सब्जेक्ट रह जाता है या एक सब्जेक्ट उसमें बीमार हो जाता है तो उससे रह जाता है, या बैचलर में या इस तरह करके होता है तो आप फिर बाद में सप्लीमेंट्री दे के तो उसको पास करते हैं, इसलिए उन्होंने सप्लीमेंट्री टाइप इस तरह रखा हुआ है। तो आप सप्लीमेंट्री में होता है कि अगर उनकी सीट्स उन्होंने 100 रखी हुई थी तो ज़रा अपने लोकल लोगों की भी 100-50 थी, इनकी भी इंटरनेशनल तो 50 पूरी होंगी लेकिन उनके अपने लोग 25 लोग ही सिर्फ आए अपने फिनिश लोग, तो वो फिर खोल देंगे, फिर वो दोनों को कहेंगे कि फिनिश भी आ जाएँ इंटरनेशनल भी आ जाएँ। ज़रा उन्होंने फिल तो करनी है ना अपनी, जो उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है। तो स्टूडेंट ये इसका एक पूरा एक प्रोसीजर है, मैंने थोड़ा सा आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि ये इस तरह वहाँ पे 3-4 टाइप में वहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि अगर आपका ये ज्वाइंट प्रोग्राम नहीं है तो आप आगे एडमिशन नहीं ले सकते, आपका एडमिशन फिर भी हो ही जाना है किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, और अच्छी यूनिवर्सिटी है, फिनलैंड में जितनी यूनिवर्सिटियाँ सारी अच्छी हैं, वहाँ पे हर बाहर बड़ा रिच कंट्री है, बड़ा ब्यूटीफुल कंट्री है, बड़ा खूबसूरत कंट्री है, हैप्पीएस्ट कंट्री है। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, एक तो है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, फर्स्ट किया किसी स्टूडेंट को 20% है, किसी में 50, किसी में 100 भी मिल जाती है, और ये है कि आपने जो स्कॉलरशिप अगर किसी को 100% मिल गई वो पाकिस्तान से उसने कोई फ़ी पे नहीं करनी, कुछ भी नहीं पे करना अगर उसे 100% हर चीज़ में मिल गई है, लेकिन अगर किसी को फ़ी में सिर्फ मिली है तो वो फ़ी पे करेगा, फ़ी तो उसने पे करनी नहीं है ना, वो बैंक सिर्फ वो अपने वो अमाउंट शो करवाएगा कि मैं वहाँ जाके रह रहा हूँ तो मेरा इतना खर्चा है, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि वो 560 वो जो होगा जो मिनिमम उसका उन्होंने फिनलैंड वालों ने रखा हुआ है, लीगली मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइन जो चीज़ है, 560 पर मंथ आपको चाहिए, और जो साल का आपको चाहिए आपको 6,720 यूरो चाहिए। हाँ आप ये कह लें कि आप 7,000 यूरो अपने जेन में रखेंगे, 7,000 यूरो अगर आपके पास हैं आपने बैंक स्टेटमेंट में रखे हुए हैं तो आपको एम्बेसी ने वीज़ा लाजमी दे देना है। अच्छा पाकिस्तान में फिनलैंड की एम्बेसी कोई नहीं है तो आपने वीज़ा इसका कैसे लेना है, आपने फिनलैंड का वीज़ा लेने के लिए आपको दुबई जाना पड़ेगा, और फिनलैंड का वीज़ा नहीं होता, फिनलैंड का आपको रेजिडेंस कार्ड ही मिलता है, रेजिडेंस कार्ड होता है जो स्टूडेंट कार्ड होता है वो आपको मिलता है, आप वहाँ जाते हैं इसलिए कि फिनलैंड के अंदर चक्कर ये है कि अगर आपका एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में और आपके बैंक में इतने पैसे भी पड़े हैं तो आपका वीज़ा 100% ही है, ऑलमोस्ट समझ लें 95% ही है। हाँ अगर आपको स्कॉलरशिप 100% मिली हुई है फिर आपका वीज़ा 100% ही है, बस वो बैंक स्टेटमेंट का आप देख लें, जिस ज़्यादा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स भी ज़रा कम है, मार्क्स भी कम है उसको तो वो स्कॉलरशिप फुल नहीं ना देंगे, तो फिर उसको अपना सारा कुछ हो, और वहाँ पे अगर आप जो इसका जो वीज़ा फ़ी है ना मसलन के कार्ड की जो आपको बन के वो फिनलैंड से, जैसे हमारा आईडी कार्ड नहीं बनता शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर कोई कार्ड बनता होगा किसी भी मुल्क में जो कार्ड बनता है वो आपको, आप वहाँ पे फिनलैंड की एम्बेसी जाएंगे दुबई के अंदर, पाकिस्तान में तो है नहीं, आपको विजिट तो करना पड़ेगा एक दफ़ा, खर्चा तो आपको ये करना ही पड़ेगा लाजमी, आप वहाँ जाएंगे जाके आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपने 450 यूरो इससे कि आपको छोटा सा वो एक इंटरव्यू लेते उन्हें फेस आपका लाजमी देखना है कि आप कौन हैं किस तरह है, ज़रा ये तो ना उन्होंने खुला में आपको कोई किसी बंदे को वीज़ा दे रहे हैं अपने मुल्क में वो किसी बंदे को एंटर कर रहे हैं, आपका फ्यूचर सारा वहाँ पे होना है, आपने कौन सा वहाँ से आना है, मुझे पता है मोस्टली सुने जब तक आपको कोई कार्ड शार्ड नहीं मिलेगा आपका कोई फ्यूचर वहाँ पे बिल्कुल पक्का शक्का नहीं हो जाएगा, उसके बगैर आपने पाकिस्तान वापस नहीं आना, तो इस तरह करके उन्हें पता है कि स्टूडेंट को हम बुला रहे हैं तो देखें वाकई स्टूडेंट किस शक्ल का है, ये तो नहीं कि स्टूडेंट कोई था डॉक्यूमेंट्स कोई थे तो किसी को वीज़ा हमने दे दिया, पासपोर्ट देखेंगे आपकी तस्वीर देखेंगे आपको भी खुद ही वो एम्बेसीडर देखेगा तो सारा कुछ आपका, तो उसमें आपने 450 यूरो उनको पे करने, आपका जो कार्ड बन के आ जाएगा वो जो आपका कार्ड पाकिस्तान आपके एड्रेस पे आएगा कार्ड बन के, उस जब आपको कार्ड मिल जाएगा फिनलैंड का आपके पास रेजिडेंस परमानेंट स्टूडेंट कार्ड आ जाएगा, उस कार्ड के ऊपर आप पूरे यूरोप के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं,
फर्ज किया आप पाकिस्तान से भी अगर आप चाहें ना, मैंने फिनलैंड नहीं जाना पहले, तो आप चाहते हैं कि मैंने फ्रांस चले जाना है, तो आप फ्रांस चले जाएँ, फ्रांस से आप फिर आगे 3 दिन फ्रांस में रहें, फिर आगे अपने फिनलैंड चले जाएँ। बाकी ये अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और इसको देखते भी रहें ताकि मेरा टाइम पूरा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।